सलमान क्यों हुए कंफ्यूज? क्या नहीं समझ आ रहा उन्हें? क्या है सलमान का अगला प्लान? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इन दिनों फरहाद सामजी की फिल्म भाईजान की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म का पहला स्केड्यूल हैदराबाद में पूरा हो चुका है, वो जल्द ही मुंबई में इसका अगला स्केड्यूल शुरू करेंगे। उन्होंने इस फिल्म का नवंबर तक खत्म कर दिसंबर महीने में इसे बड़े पर्दे पर रिलीज करने का प्लान बनाया है। इसी बीच खबर है कि सलमान जल्द ही एक और मूवी साइन करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाईजान के बाद सलमान के पास दो फिल्में हैं और दोनों ही सीक्वल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान न्यू एंट्री के सीक्वल और दबंग 4 के बीच कंफ्यूज हैं। दरअसल वो 2023 में दो फिल्में रिलीज करना चाहते हैं, जिसमें से एक फिल्म टाइगर 3 है। आगे कहा गया है कि इस समय सलमान टाइगर 3 के अलावा अपनी दूसरी फिल्म को फाइनल करने के प्रोसेस में चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद सलमान अनीस बाजमी के साथ न्यू एंट्री के सीक्वल में काम करने के लिए काफी क्यूरियस हैं। लेकिन कुछ कानूनी मुद्दों की वजह से इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। दूसरी ओर खबर है कि तिग्मांशु धूलिया जल्द ही सलमान को दबंग 4 की कहानी सुना सकते हैं। अगर सलमान को तिग्मांशु की दबंग 4 का आइडिया पसंद आया तो दर्शक जल्द ही चुलबुल पांडे को चौथी बार सिल्वर स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान को आखिरी बार अंतिम में देखा गया था। इस फिल्म में उनका एक्सटेंडेड कैमियो रोल था। इसके अलावा वो पिछले साल रिलीज हुई फिल्म राधे में भी नजर आए थे। कोरोना की वजह से ये फिल्म को OTT पर रिलीज किया गया था। प्रभु देवा के निर्देशन में बनी इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म की कहानी ने दर्शकों को काफी निराश किया। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं दोनों सीक्वल्स के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास चीज, अगर आप भी सिनेमा के साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।